الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. واجب الاحترام بزرگو, ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیو, آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ماہ رجب اور دور حاضر کے ہم مسلمان. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ویبینار کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا, اور اس کے پیچھے جو بھی شخصیات ہیں, سوسائٹی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ان کے آل میں, اولاد میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, آمین. اور ساتھ ہی ہمارے دھنے مجاہد شوکت صاحب کے فرزند, یقیناً ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے اور ہر بچے کی ہمت افزائی ہونی چاہیے جن کو ان کے والدین باقاعدہ محنت کر کے تیار کرتے ہیں. یہ بہت ہی خوش آئندہ پہلو ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس معصوم بچے کے سینے کو اور کھولے اور اس کی قسمت کو اللہ سبحانہ وتعالی چمکائے, آمین. معزز سامعین, اللہ سبحانہ وتعالی نے سال کے 12 مہینے ساری کائنات کی تخلیق سے ہی متعین فرما دیے. ان 12 مہینوں میں چار مہینوں کو اسی روز اول سے حرمت بخشی ہے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے, یعنی حرمت والے مہینے. انہی حرمت والے مہینوں میں رجب بھی ایک مہینہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم ثلاثۃ متوالیات ذو القعدہ ذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
साल 12 महीनों का है, इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 तो पय दर पय मुसलसल आने वाले महीने हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और 1 रजब है जो जुमाद अल आखर और शाबान के दरमियान है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान आयत और सही बुखारी के हदीस से मालूम हुआ कि रजब का महीना 4 हुर्मत व अदब के महीनों में से एक महीना है। फला तज़लिमु फीहिन्न अनफुसकुम, इस हुक्म से जहां बकिया 3 महीनों का एहतराम व अदब लाजिम है, वहीं इस महीने का तकाजा है कि इसमें फितना व फसाद, कत्ल व गारतगिरी और जुल्म जबरदस्ती से दूर रहा जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है मासियत और नाफरमानी, फसाद, जुल्म और कत्ल सिर्फ इन्हीं महीनों में हराम है। ये सारी चीजें सारे महीनों में, सारे दिनों में हराम है, बल्कि मुराद ये है कि ये चीजें इन 4 महीनों में बहुत ही सख्ती के साथ ममनू है, हराम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज हमारे समाज पर हम नजर दौड़ाते हैं बजाय एक इन महीनों की कदर की जाती, अदब एहतराम के साथ इन महीनों के साथ पेश आया जाता। हम मुसलमान, फितना व फसाद है ही है, नाफरमानी और जुल्म है ही है, साथ ही शिर्क व बिदअत का इन मुबारक महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में भी हम इत्तिकाब करते हैं। अल्लाह सुभान व तआला हम सब की हिफाजत फरमा। और ऐसा जो करते हैं उनके ताल्लुक से शायर ने कहा, दिल अंधा, जुबा अंधी, कलम अंधा, बयान अंधा, अंधों को नजर आता है सारा जहां अंधा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार सुन्नतें मौजूद हैं। जिनको जिंदा करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन ढेर सारी सुन्नतों को जिनके अमल पर सवाब का वादा है, छोड़कर हम बिदात का रास्ता अपनाए हुए हैं, इसलिए कि हमारे आंख बंद। आज के बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई इन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम तो बहुत दूर की बात, अवहाम व खुराफात और शिर्क व बिदआत में बड़ी बुरी तरह से वो मुलव्वस हैं। और हकीकत यह है, नबी की पैरवी ही में सरासर सरफराजी है, ना मरना भूल कर भी तुम कभी दुनिया की इज्जत पर।
आज़ा सामईन, आज के इस महीने से जुड़ी हुई बातों को जानने से पहले ज़मीनी एक चीज को हम बयान करते हुए आगे बढ़ें, और वो है रुतबे और अजर के एतबार से इबादात की किस्म। इंसान जितनी भी इबादात सर अंजाम देता है उनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां मर्तबे के एतबार से दो किस्में हैं। एक जो मकान के बदलने के साथ मर्तबे के एतबार से बदलती रहती हैं, दूसरी जो जमाने के बदलने से मर्तबे के एतबार से बदलती रहती। इसमें पहली जो किस्म है, हज़रत सहल बिन हुनैफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर में वुज़ू करके मस्जिद कुबा में आए और वहां नमाज अदा करे तो उसके लिए एक उम्रा अदा करने का सवाब यानी उसके बराबर का अज्र उसके लिए लिखा जाता है। और इसी तरीके से घर में इनफरादी तौर पर अदा की जाने वाली फर्ज नमाज और मस्जिद में अदा की जाने वाली फर्ज नमाज दर्जे और मर्तबे सवाब के एतबार से 27 गुना ज्यादा है। यहां गौर करने की बात यह है, मकान बदला, जगह बदली तो इबादत की कीमत भी बदलती गई। जैसा कि आपको मालूम है, मस्जिद हराम में अगर आप एक नमाज पढ़ते हैं तो 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब है। मस्जिद नबवी में अगर आप एक नमाज पढ़ते हैं तो 1,000 नमाज पढ़ने का सवाब है, और मस्जिद अक्सा में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो 500 नमाज पढ़ने का सवाब। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला इन तीनों जगहों में नमाज पढ़ने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। और जो हमारा तीसरा किबला है, दूसरा किबला है, अल्लाह सुभान व तआला उसको हमारे सफों में लाए। माज़ सामईन, एक ही नमाज है लेकिन उसका अजर जगह बदलने से कहां पहुंच गए। दूसरी किस्म, एक शख्स किसी भी आम दिन में रोजा रखे तो उसे एक रोजे का अजर मिलेगा, लेकिन रमजान का एक रोजा इतना अजर रखता है कि सारी जिंदगी रोजे रखने का इतना अजर नहीं बन सकता। इसी तरह कुछ दूसरे दिनों में जिनमें रोजे का अजर बदलता जाता है, मसलन अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9वीं ज़िलहिज्जा के दिन रोजा रखने के अजर के बारे में आपसे सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस एक दिन का रोजा रखना उस शख्स के गुजरे हुए 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस दिन का रोजा मौजूदा गुजरने वाले साल और आने वाले साल के सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाता है। इसके अलावा किसी भी नफिल अमल के बारे में देखें कि आम दिनों में उसका एक ही अजर है, लेकिन यही नफिली अमल रमजानुल मुबारक में अगर आप करते हैं तो उसका अजर कहां से कहां पहुंच जाता है।
दिन में अदा की गई नफिल नमाज और रात के वक्त अदा की गई नफिल नमाज यानी तहज्जुद की नमाज, इन दोनों में अजर के एतबार से जमीन और आसमान का फर्क। नमाज तहज्जुद को हदीस पाक में अफजल सलात बाद फरीदा कहा गया, यानी फर्द नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है, वो सलातुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज। और फिर सिर्फ इसी पर बस नहीं बल्कि आम रातों में अदा की गई नफिल नमाजें सारी की सारी एक तरफ और लैलतुल कद्र में अदा की गई नफिल नमाज दूसरी तरफ। इन दोनों के अजर व सवाब में मशरिक़ और मगरिब का फर्क है। इसी रात के बारे में फरमाया गया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। चुनांचे माज़ा सामीन, ऊपर बयान की गई मिसालों से बखूबी ये बात वाज़े होती है कि जमाने के बदलने से अल्लाह के यहाँ इबादात का भी रुतबा बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि मुख्तलिफ जबानों में जमानों में जिन जिन इबादात से मुतालिक अजर व सवाब की ज्यादती बतलाई गई है और जिन जिन जगहों में अजर व सवाब की ज्यादती बतलाई गई है वो सब की सब मुनज्जल मिन अल्लाह है, अल्लाह सुबहाना हो ताला की तरफ से तय की हुई चीज है अजर व सवाब। यानी उन इबादात के अजर व सवाब की ज्यादती की खबर वही के जरिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबानी हमें बताई गई। इंसान खुद अपनी चाहत से अपनी सोच से किसी खास दिन में किसी खास जगह पर किसी खास इबादत का अलग से कोई अजर मुकर्रर नहीं कर सकता, ये पूरे गुफ्तगू का यही खुलासा है। क्योंकि इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुबहाना हो ताला को है कि वो कौन सी जगह को इख्तियार करे, कौन से वक्त को अफजल करार दे, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुबहाना हो ताला को है। मा कान लिल मुमिनीन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ा अल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। जब अल्लाह ने तय कर दिया, जब अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया, उसके बाद किसी भी मुस्लिम मर्द को, किसी भी मुस्लिम औरत को, मोमिन मर्द मोमिन औरत को ये इख्तियार हरगिज नहीं है कि उसमें कुछ कमी या ज्यादती करे। चुनांचे मुअज्जज सामईन, माह रजब और इसमें जो भी बिदआत और खुराफात तरवीज पाए हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें ना कुरान से साबित हैं और ना ही हदीस से साबित हैं। चुनांचे माह रजब के ताल्लुक से कुछ चीजें जानते हुए हम आगे बढ़े। माज़ा सामईन, इस महीने का नाम रजब ताजीम की वजह से पड़ा है। कबीला मुजर इसकी ताजीम ज्यादा करते थे, इसी वजह से रजब मुजर भी कहा जाता है। और जो सुन्नत से दूर बिदअत से करीब जिंदगी गुजारते हैं उनके पास भी ये महीना बिदअत और खुराफात के नाहिये से अजमत वाला है।
चुनांचे वो अपने मखसूस अंदाज में इस महीने में शिरकिया और बिदाइया आमाल अंजाम देते। शायर ने क्या खूब कहा है, हो शिर्क तुम पर मुसल्लत तो बंदगी है फजूल, हुई जो बिदअते तुमसे तो जिंदगी है फजूल। मुआज़्ज़ज़ सामईन, इस माह को लेकर लोगों में ये मैसेज भी गर्दिश कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस माह की मुबारकबादी दी उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती। ये सरासर झूठी बात है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात को मंसूब करने वाला जहन्नम में अपना ठिकाना बनाता है। चुनांचे किसी बिदात को हिलकी जान मत लीजियो मेरे प्यारे, कदम को मसलक के सुन्नत से फुसलाती है बिदात। रजब के महीने की आमद से पहले ही अमूमन और चांद निकलने पर खुसूसन कुछ खास अजकार और अदिया का दुआओं का एहतमाम किया जाता है जो सही अहादीस से साबित नहीं है। इसी के साथ साथ ये रिवायात भी बहुत ही आम है कि पांच रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती, उसके बाद उन पांच रातों को गिलाते हैं, जुमे की रात, रजब की पहली रात, शाबान की पंद्रहवीं रात, ईद उल फित्र की रात और ईद उल अधा की रात। माज़ सामईन, इस किस्म की ज़ईफ रिवायतों को या मौजू रिवायतों को बुनियाद बनाकर मुस्लिम माशरे में बिदआत का रिवाज आम करना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा करने वालों को हम क्या कह सकते हैं, भला क्यों कर मैं उस बिदाती मुल्ला को खर ना समझूं, भला क्यों ना मैं उस बिदाती मुल्ला को खर समझूं जो फैलाए सुन्नत की जगह शाम और सहर बिदा। हमें सुबह शाम सुन्नत को फैलाना चाहिए, इसके बजाय अगर हम बिदात को फैला रहे हैं तो हम अकलमंद कैसे हुए, यकीनन बेवकूफ होंगे। मुआज़्ज़ज़ सामईन, रजब के महीने में मखसूस किस्म की मुख्तलिफ नमाजें अदा की जाती हैं। मसलन रजब की हजारी नमाज पहली जुमा की रात को सलातुर रगाइब दो इशा और मगरिब के दरमियान पढ़ी जाती है, यानी बारहवीं नमाज इसको बोलते हैं, और पंद्रहवीं रजब को उम्मे दाऊद की नमाज और सताईसवीं रात को शबे मेराज की नमाज, ये सारी नमाजें बिदाती हैं क्योंकि इन सब की कोई दलील शरीयत में नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसने दीन में कोई ऐसा काम इजाद किया जो दीन में है ही नहीं तो वो मर्दूद है। नबी का हो के रहने को खुदा ने हमको फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह का सबक कुरान ने बतलाया। मुआज़्ज़ज़ सामईन, रजब का महीना, इस महीने में मखसूस किस्म के रोजे रखकर मखसूस अजर की उम्मीद की जाती है। जैसा कि लोगों में मशहूर है कि रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है।
और दूसरे दिन का रोजा 2 सालों का और तीसरे दिन का रोजा 1 साल का कफारा, फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा। इस तरह 27 को भी लिखी, 27 को जो रोजा हजारी रोजा रखकर हजारों लाखों सवाब की उम्मीद जो है की जाती। ये सारे के सारे रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं वो बातिल और मर्दूद है। माज़ा समय रजब के महीने में रोजा रखने से मुतालिक अलग से कोई खास फजीलत मनकूल ही नहीं। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत सी अहादीस को जमा करके उन सारी अहादीस की असनादी हैसियत को वाजह किया जो फजाइल रजब से मुतालिक निहायत या तो ज़ईफ़ हैं या मौजू थी। बाद में उन्होंने कहा, माह रजब में खास रजब की वजह से किसी रोजे की मखसूस फजीलत सही अहादीस से साबित ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि रोजा खुद एक नेक अमल है और रजब का महीना हुरमत वाला महीना है। जैसा दीगर महीनों में हम जुमरात के दिन या पीर के दिन या चांदवी की 13वीं 14वीं और 15वीं तारीख को अय्याम 20 के दिनों में रोजा रखते हैं, उनका सवाब का जिक्र है, यकीनन रोजे का ये अमल इस महीने में भी हम रख सकते हैं। लेकिन शर्त है कि किसी दिन का तायुन जो है ना हो। चुनांचे गर कोई मर जाए कर लो जियारत, जियारत सुन्नत है, लेकिन जियारत के नाम पर ना तेजा ना चहलुम ना बरसी मनाओ। मुतायन ना करना कोई खास दिन तुम, पकाकर गरीबों को लिल्लाह खिलाओ। तो खाना खिलाने का जो काम है, खबरों की जियारत का जो काम है, रोजा रखना हो, ये सारे के सारे आमाल जो है नेक आमाल है, लेकिन इसके लिए किसी खास दिन को मुकरर करना, किसी वो खास वक्त को मुकरर करना, ये बिल्कुल ही सुन्नत के खिलाफ। इसी के साथ साथ माज़ा सामईन रजब के महीने में कसरत से उम्रा करना भी जो है मुसलमानों में राज है। ऐसा उम्रा करने को ज्यादा सवाब का बाइस ख्याल किया जाता है। और आपको मालूम है कि अगर ये कोरोना महामारी की मुसीबत ना होती तो मेराज का जो खास दिन है उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग उम्रा करने जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में आपने कभी उम्रा किया हो इसका कोई सबूत नहीं है, और जितने उम्रे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं तकरीबन सारे के सारे ज़ुल्क़ादा के महीने में आपने अदा किए। उसके बाद रजब की मशहूर तरीन बिदात में से 22 रजब को, 22 रजब को जाफर सादिक के नाम से कुंडे भरना है। कुंडे भरकर जाफर सादिक के तवस्सुल से मांगी गई हर मुराद पूरी होने का अकीदा रखा जाता। याद रखें ये गैरुल्लाह की नजर है जो कि हराम और शिर्क है, नजर की इबादत है और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मानी जा सकती है। उसके बाद मुआज़ा सामईन रजब की 27वीं तारीख भी
सुन्नत से दूर बिदअत से करीब, हम में से जो मुसलमान भाई जिंदगी गुजारते हैं उनके नजदीक काफी अहम। इस तारीख को शबे मेराज का जश्न मनाते हैं, चरागों से घरों को रोशन करते हैं, शब बेदारी करते हैं, शब मेराज के नाम से महफिल कायम करते हैं और शब मेराज की अलग से इबादत करते हैं। औरत के मुशाबह दो पर वाले बुराक के नाम से तस्वीर बनाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लाम में न जश्न मेराज है ना इस रात शब बेदारी है, ना चरागा है और ना ही कोई मखसूस इबादत है और ना ही ये परों वाला घोड़ा है बुराक। फिर ये सारे के सारे जो आमाल हैं जिनका दीन से कोई भी ताल्लुक नहीं, एक मुसलमान अपने मन से अपने नफ्स की ख्वाहिश पर ये आमाल दीन के नाम पर कैसे अंजाम दे सकता है और अंजाम देने के बाद क्या उसको ये खौफ नहीं है कि अल्लाह सुबहाना होताला वकिफुहुम इन्नहुम मसूलून उसको रोक कर इस बिदात के ताल्लुक से सवाल करेंगे, इस शिर्क के ताल्लुक से सवाल करेंगे, क्या उसको इसका डर नहीं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौस से उसको दूर हटा दिया जाएगा, क्या उसको इस बात का डर नहीं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश शफात उसको नसीब नहीं होगी। चुनांचे हम सब को अपना मुहासबा करना जरूरी। माज़द सामईन, शबे मेराज किस रात पेश आई, 27वीं रात को पेश आई या कोई और शब में शबे मेराज पेश आई, इसके ताल्लुक से कोई भी एक कौल जिस पर सबका इजमा हो नहीं, मुख्तलिफ अख्वाल हैं। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, शायर के इस कलाम से हमें इत्तिफाक करना होगा जिसमें उसने कहा, तुम्हारे ये चरागा ये जुलूस ये जश्न ये जलसे बेशक ये सब मुहदिसात व जिद्दत व जसारत। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, शब मेराज और शब मेराज से जुड़े हुए जितने भी अक़वाल हैं और मेराज का वाक़िया अब पेश आया, इसके ताल्लुक से मुख्तसर अंदाज में आपके बात हवाले आपके बात करूंगा कि उलमा के 10 अक़वाल मनकुल हैं कि मेराज का वाक़िया कब पेश आया। और इसमें मशहूर कौल भी है कि हिजरत से 1 साल कबल का वाक़या जो है मेराज का वाक़या है। और उसके बाद हमें जो बात सोचनी हो ये, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद तकरीबन 100 साल तक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन दुनिया में मौजूद रहे, इस पूरी सदी में कोई एक वाकया भी ऐसा साबित नहीं है जिसमें सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने 27वीं रजब को खास एहतिमाम करके मनाया। लिहाजा जो चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की और जो चीज आपके सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नहीं की, उसको दीन का हिस्सा करार देना या उसको सुन्नत करार देना या उसके साथ सुन्नत जैसा मामला करना सरासर बिदअत है। कोई शख्स अगर ये कहता है माअज़ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मैं जानता हूं कि कौन सी रात ज्यादा अफजल वाली फजीलत वाली है या को
या कोई शख्स ये कहे कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से ज्यादा मुझे इबादत का शौक है, अगर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने ये अमल किया तो मैं इसको करूंगा, तो इसके बराबर कोई अहमक होगा? गौर करें माज़ सामईन, बताने का जो मकसद है वो ये कि मा अताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो चीज रसूल तुम्हें दे उसको ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। माज़ सामईन, नए फितने निराली बिदातें ईजाद करते हैं, दीन की आबरू अहले दीन बर्बाद करते हैं, और इस माह में अंजाम दिए जाने वाले आमाल में से एक अमल ये भी है कि रूहों को खैरात करना, अजमेर का सफर करके मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर मेला ठेला लगाना, कब्रों का सजदा और तवाफ, उन पे चादर और फूल चढ़ाना, मखसूस पकवान पकाना, तबर्रुक की नीयत से रजब की अंगूठी पहनना और मखसूस किस्म के औराद और वज़ाइफ का एहतमाम करना, ये सारे के सारी जो चीजें हैं मुआज़्ज़ज़ सामईन ये बिदात और खुराफात में। चुनांचे मज़कूरा सारे आमाल मर्दूद और बातिल हैं, क्योंकि ना अल्लाह के मुकद्दस फरामीन में इनका जिक्र है और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात में इनका जिक्र है। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, रजब का महीना हुरमत वाला महीना है, चुनांचे इस महीने का एहतराम होना चाहिए, इस महीने को खासकर शिर्क और बिदअत जैसे जराइम और गुनाह से हमें महफूज रखना चाहिए और हमारी जिंदगियों को इसे बचाना चाहिए, क्योंकि हालत जो हो गई है वो ये कि बिदअत मसनून हो गई है, उम्मत मतऊन हो गई है। अज़ीज़ सामईन, इन्हीं बिदअत ने हम मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया है और शिर्क के दलदल में हमें फंसाया है, चुनांचे हमें चाहिए कि हम इन सारी बिदातों का बैकआउट करें और सुन्नत को अपनाएं, सुन्नत की राह पर हम गामजन हों, यही वो राह है जो नजात की राह हो सकती है। अल्लाह सुबहाना व तआला उम्मत मुस्लिमा को दीन के समझ अता फरमाए और शिर्क व बिदात से बचाकर एक प्लेटफॉर्म पर एक ही कलिमे के तहत अल्लाह हमें मुत्तहिद फरमाए और हमारी लफ्जिशों को अल्लाह सुबहाना व तआला माफ फरमाए और हमारे नेक आमाल को अल्लाह सुबहाना व तआला قبول فرمائے آمین وجزاكم الله خيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين